बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे माशाल्लाह से। आज मैंने चिकन बिरयानी बनाई थी, नॉर्मली दम वाली बिरयानी बनाई थी, तो ये देख लें मैंने कैसे बनाई ये आपको मैं बता रही हूँ। मैं बहुत सारे वीडियो हर रोज़ ब्लॉग की तरह पोस्ट कर रही हूँ, शॉर्ट्स भी पोस्ट कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, देखें और व्यू करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ। आज तो मुझे बहुत बुखार है, फिर भी मैं बना रही हूँ, वीडियो एडिट करके पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हर रोज़ मुझे वीडियो पोस्ट करना होता है। व्लॉग है मेरा, मेरा चैनल मोनेटाइज कराना है मुझे, तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़रूर देखें। तो मैंने पहले चावल भिगो लिया है, अभी प्याज धनिया पत्ता और हरा धनिया धो काट कर रख लिया है। प्याज को छील रही हूँ मैं, फिर टमाटर भी काट लूँगी और नींबू धोकर नेट से रख लिया है मैंने। अब इसको मैं धो लूँगी, फिर अब एक बार से धो लूँगी, क्योंकि प्याज छीलने के बाद भी धो लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सही नहीं होता इसलिए। तो ये देखिए मैं प्याज का थोड़ी बहुत काट लूँगी। मैंने ज़्यादा बिरयानी नहीं बनाई, सिर्फ हाफ़ किलो और काल किलो चावल की ही बनाई है, सिर्फ दो लोग हैं आज इसलिए घर पे। तो ये देखिए प्याज, ये पुदीना, हरी मिर्च, हरा धनिया धो रही हूँ। माशाल्लाह से ये बिरयानी बहुत मज़े की थी, हमने अभी खाई हुई है, दोपहर में खाई हुई थी लंच टाइम में। और ये मैं प्याज ऐसे ही काट देती हूँ, कभी कभी चाकू से भी काटती हूँ, पर ज़्यादातर मैं ज़्यादा प्याज हुई तो मैं ये कटर का यूज़ करती हूँ, अच्छे से कट जाती है। तो मैंने ये प्याज ऑयल में डालकर फ्राई करी हूँ, तब तक मैं टमाटर काट लूँगी। तो ये देखिए मैंने स्टैंड रख दिया है और ये टमाटर काट लिया बारीक से। काटने के बाद मैं और ये हरा धनिया डायरेक्ट इसी में डाल लूँगी, तब तक ये प्याज भी फ्राई हो जाएगा माशाल्लाह से। और सारे हरी मिर्च भी थोड़ी डाल लूँगी, कम है हरी मिर्च थोड़े डालने पड़ेंगे। और ये हरा धनिया ज़्यादा छोटे पत्ते काटती हूँ, क्योंकि पत्ते ज़्यादा मुँह में आए तो ये बच्चे बहुत तंग करते हैं इसलिए। अब ये देखें इसी में मैं मिर्च पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, ये देखते हैं प्याज क्या हुई है। प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए लाल, तब तक मैं फ्राई करूँगी प्याज को। तो ये मिर्च पाउडर 2 स्पून डाला मैंने, ये मिर्च पाउडर थोड़ा तेज़ कम है इसलिए 2 स्पून डाला, वरना तो मैं 1 स्पून ही डालती हूँ। तो ये देखें 1/2 स्पून के बराबर धनिया पाउडर डाला। अभी नमक प्याज में डाल दूँगी ताकि प्याज जल्दी लाल हो जाए। ये ट्रिक बहुत पुराना है, मैंने संजीव कपूर के चैनल में देखा था, प्याज में अगर नमक डाल दें तो जल्दी से लाल हो जाती है प्याज। अपने फ्रीज़र से गोश्त खा लिया मैंने, तो ये देखें थोड़ी देर रखती हूँ, ये प्याज नज़दीक से देख लें फ्राई हो रही है माशाल्लाह से। तो अब ये मसाले सभी मैंने इसमें डाल लिया है। अब मैं ये गोश्त में अदरक लहसुन डालूँगी, मैंने पास में ही रख लिया पूरी चीज़ें, क्योंकि जल्दी जल्दी में कुछ याद नहीं रहता। फिर अदरक लहसुन में मैंने पहले ही गरम मसाला डालकर पीसा हुआ होता है, मैं 15 दिन या 20 दिन का अदरक लहसुन तैयार रखती हूँ फ्रिज में। बच्चे सुबह ही स्कूल को जाते रहते हैं, तभी कभी फ्रेश यूज़ करने को नहीं होता, टाइम नहीं होता, तो 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए मैं अदरक लहसुन पीस के रख देती हूँ। नारियल पाउडर, ऐसे ज़रूरत की चीज़ें, गरम मसाला सभी पीस के रख लेती हूँ। तो ये देखें ये मसाला मैंने डाला था ना, गोश्त, अदरक लहसुन, गरम मसाला, ये प्याज में फ्राई हो रहा है, तो ये हो जाने दें फ्राई। ये होने के बाद मैं ये मसाला डाल दूँगी इसमें। मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है इसी का, उसको भी देखें, लाइक करें। बहुत मुश्किल से एडिटिंग करती हूँ, मुझे आता भी नहीं है इतना, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, ज़्यादातर कम पढ़ी हूँ। आजकल के तरह मेरे पास कोई डिग्री विग्री नहीं है, तो बस ये देखें बहुत मुश्किल से समझती हूँ ये सब कुछ, समझकर मुझे एक ये बनाना है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ दिखाना है, इसलिए मैं ये बना रही हूँ।
बस ये देखें, दूध डालती हूँ मैं कभी भी, हमेशा बिरयानी में दही नहीं डालती मैं, नींबू का यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा नींबू एक या दो यूज़ कर लूँगी, मगर दूध डालूँगी क्योंकि इससे बिरयानी बहुत मुलायम और बहुत सॉफ्ट आती है, अच्छे से रहती है, बहुत मज़े की होती है। तो देखिए अदन रख लिया है मैंने पानी, अदन भी आ गया है, अब इसमें मैं भीग चुके हैं ना ये चावल, तो मैं ये चावल इसमें डाल दूँगी, थोड़ा नमक भी डालूँगी मैं इसमें, वो नहीं लिखाया मैंने। और ये अखनी देखें, गोश्त गल कर अखनी भी तैयार है, गोश्त भी गल गया है, अखनी तो बहुत मज़े की है। अगर आप शाम को रोटी खाते हैं तो थोड़ी अखनी उठा कर भी रख सकते हैं आप, उसमें रोटी खा भी सकते हैं आप। तो ये देखें हो गया है, अखनी तो तैयार है माशाल्लाह से। इसी में नींबू डाला हुआ है मैंने थोड़ा, तो अब मैं ये चावल थोड़ा गलने के बाद, अखनी तो पक चुकी है, ये चावल गल गया था, फिर मैंने अखनी नीचे डाली हुई है, ऊपर से मैंने खाना डाल लिया है। अब मैं कलर मिक्स कर लूँगी, वो वीडियो में डिलीट हो गया मेरे फ़ोन से, आजकल मेरा फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है, बहुत सारे वीडियो शूट करती हूँ ना इसलिए। तो ये देखने मैंने कलर मिला लिया है, मैं डायरेक्ट वैसे ही मिलाती हूँ कलर, ये कैसे, तो ये हो गया है थोड़ा ऊपर, ज़्यादा कलर नहीं थोड़ा ही है। अब मैं इसको दम दे दूँगी खाने को, दम देने के बाद थोड़ा एक हाफ नींबू या और एक नींबू डाल लूँगी, उससे पहले मज़े का होता है, क्योंकि मैं तो दही यूज़ नहीं करती ना इसलिए खटासगी के लिए, बस 10 मिनट के लिए दम दे दिया। अभी ऊपर से मैं खाना निकाल लूँगी, क्योंकि ये यखनी और बिरयानी सभी एक हो गई होगी, तो ये कलर मुझे चाहिए, इसलिए मैं पहले से ही निकाल कर मैं ऐसा करती हूँ। माशाल्लाह से ये बिरयानी बहुत मज़े की थी, आप भी अपने घर में ये तरीका यूज़ कर देखिए, बहुत ईजी होगा। तो ये मैं टेबल पे रखने के लिए तैयार है बिरयानी खाने के लिए, बहुत मज़े की है गरम गरम बिरयानी, माशाल्लाह मुँह में पानी आ रहा है देखते ही। आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और देखें ज़रूर, और मुझे सपोर्ट करें और हाउसवाइफ को सपोर्ट करें, सभी उनके चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें यार। अल्लाह आप सबको हमेशा आपके हिफ्ज़ अमान में रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह, और मेरे सब्सक्राइबर्स की, अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा घी भी डाल सकते हैं, मैंने डाला नहीं है, बस ऐसे ही रख दिया है, ज़्यादा बिरयानी नहीं है, थोड़ी बहुत ही बनाई है। तो ये देखिए तैयार है, तैयार हो गई है बिरयानी, बस मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर अमान।